नेटफ्लिक्स ने पोस्टपोन कर दिया ऑल ऑफ अस रेड सीजन 2 को और ये क्यों किया है जानेंगे इस वीडियो में, शूटिंग और रिलीज डेट के बारे में जानेंगे और इत्यादि। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी जो है वहीं से कंटिन्यू होने वाला है स्कूल से ही, मगर डिफरेंट प्लेस पे जाकर सेटअप होते हुए नजर आएगा इसके अंदर में। और ज़ॉम्बी है जो देखने को, जो हाइब्रिड ज़ॉम्बी देखने को मिले थे जो अभी स्टार्टिंग डेज में ही थोड़े देखने को मिले थे, मगर दो ही अभी देखे हैं, उससे भी बड़े लेवल पे ज़ॉम्बी देखने को मिलेंगे जो कि माइंड और बॉडी से भी पूरा एकदम चालाक और तेज होने वाले हैं, जो कि ज़ॉम्बी जितने भी हैं पूरा एकदम एक हाई लेवल पे एकदम और इमोर्टल होने वाले हैं सारे के सारे। और स्कूल से बाहर देखने को मिलेगा ये सब स्टोरी। एंड अब साथ में जान लेते हैं फिल्मिंग के बारे में। तो क्योंकि ये अभी फिल्मिंग जो बताया जा रहा था कि लेट 2024 में स्टार्ट करने वाले थे, मगर ये बताया जा रहा है कि पोस्टपोन कर चुके हैं अब। और पोस्टपोन करने का रीजन ये बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्शन में क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी 3 साल ले चुके हैं और कितना प्रोडक्शन में और डिले करेंगे, स्क्रिप्टिंग में डिले करेंगे, यार कितना समय लगाने वाले हैं पता नहीं। ऑलरेडी 3 साल ले चुके हैं, अब बताया जा रहा है कि 2025 से स्टार्ट करने वाला है प्रोडक्शन। एंड इसका जो प्रोडक्शन है एंड ये तो रीजन बताया जा रहा है फिलहाल, एंड ऑलरेडी 3 साल तो ले चुके हैं। एंड अब बात करते हैं सीजन 2 के रिलीज डेट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन को डेट और प्रोडक्शन टाइमलाइन को देखते हुए जो कि 2025 में स्टार्ट करेंगे, उस हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो इनका जो शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन मिलाकर आपको मान कर चलिए कि 2026 के अंत तक ही देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं देखने को मिल सकता है क्योंकि ये प्री प्रोडक्शन में ही चल रहा है इनका, और इसके वजह से तो मान कर चलिए 2026 इससे ज्यादा पहले एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, इसे भूल जाइए अभी 2 साल तो आराम से। और यही थी बुरी खबर हमारे ऑल ऑफ अस रेड सीजन 2 को लेकर, अब क्या ही कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह ऑथेंटिक न्यूज के लिए। तो तब तक बाय बाय।